हाय गाइस, वेलकम टू एक्सट्रीम सीरीज। ये सीरीज हम 2-3 वीडियो से हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, उसको किस तरह से आप हम कर सकते हैं। उस तरह से आप देखो कि बैकग्राउंड स्ट्रेच ये इसका क्या यूज होता है, मतलब कैसे कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू बैकग्राउंड इमेज टू स्ट्रेच टू फिट एंटायर एलिमेंट्स एंड यू कैन सेट अ प्रो एलिमेंट साइज प्रॉपर्टी 100 बाय 100। ट्राई द रिसाइजिंग ऑफ अ ब्राउजर विंडो एंड यू विल सीन दैट इमेज विल बी स्ट्रेच बट ऑलवेज कन्वर्ट द एंटायर एलिमेंट्स। तो इसको कैसे, जैसे हमने ये देख ली इमेज, फिर रिपीटेड नो रिपीट ये भी देख लिया, फिर उसके बाद में अटैचमेंट फिक्स देखा, फिर उसके बाद में हमने देखा कि बैकग्राउंड साइज जो कि साइज है वो हमने सब देख लिया। तो अभी ये साइज में हमने लास्ट टाइम क्या किया था, देखो यहाँ पे कवर किया था, बट अभी क्या करना है अपने को, इसको फिक्स करना है। मतलब यहाँ पे इसको इस तरह से कहेंगे तो स्ट्रेच की तरह से होगा। तो किस तरह से करेंगे, तो गो टू विजुअल स्टूडियो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हेलो, आ गए हम विजुअल स्टूडियो किस पर आ गए। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे गया तो इस तरह से हमने कुछ तो भी किया था इस तरह से। अभी इसको जैसे इसमें देखो इस जो भी किया उसको और इसमें कुछ भी, मतलब कुछ भी फर्क नहीं। बिकॉज कैसे है, इसका मीनिंग क्या होता है, जो साइज दी ना हमने, तो उसका क्या मीनिंग होता है कि आप उसके 100% साइज ले रहे हो। जो भी एलिमेंट है उसके 100। अभी देखो ये एलिमेंट, ये मैं इसको एलिमेंट को बढ़ाऊंगा, एक एग्जांपल करके बढ़ाया, मैंने सेव किया, एलिमेंट बढ़ गया तो इमेज की साइज भी बढ़ गई। मतलब वो उसको कवर कर रहा है, उस 100% का वही मीनिंग है कि उसको 100% वो कवर दे रहा है। देखो आ गए क्या, जितनी भी इमेज की हाइट है वो उसको पूरी 100% कवर अप हो रही है। तो यही यही मैं आपको यही इसका ये है कि आप इसको इस तरह से आप यूज कर सकते हो ये बैकग्राउंड इमेज को। तो आपको समझ आया होगा तो बैकग्राउंड इमेज क्या है, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीटेड क्या है, नो रिपीटेड बैकग्राउंड रिपीट क्या है, बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है और बैकग्राउंड साइज क्या है। तो ये आपको समझ आया, नहीं समझ में आया होगा तो लास्ट के 2-3 वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि आप किस तरह से यूज कर सकते हो और क्या क्या यूज है। बिकॉज कैसे, हम अभी तो हमारे एक्सटीएमएल चल रहे, फिर सीएसएस, फिर जावास्क्रिप्ट भी आएंगे, फिर उसके बाद हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उस टाइम ये छोटी छोटी बातें आपको उस टाइम यूजफुल रहेंगी। तो देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।